Hello everyone, today we will solve exercise 1.3 class 11th NCERT math. और इस एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपने सबसेट्स या belongs, does not belongs या not a subsets के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप उसकी वीडियो देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज होगी। उस वीडियो को मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज होगी। क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस यही बताना है हमें कौन सा सबसेट्स है, कौन सा सबसेट्स नहीं है, कौन सा एलिमेंट सेट्स में बिलोंग्स करेगा, कौन सा बिलोंग्स नहीं करना है, कौन सा इक्वल सेट्स वगैरह है ना, इस पे ट्रू फॉल्स के इसी बेस पर क्वेश्चन है। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट व्हाई फिलिंग इन द सिंबल, ये सिंबल कहता है सबसेट्स और नॉट अ सबसेट्स इन द ब्लैंक स्पेस। इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 7 पार्ट हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, बस हमें बताना है कौन सा सबसेट्स है, कौन सा सबसेट्स नहीं है। ओके, करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4 द सेट्स ऑफ 2, 3, 4 और एक अदर हम सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो हमें ये बताना है ये सेट इसका सबसेट्स की नहीं है। तो सबसेट्स में क्या होता है, इस सेट्स के सारे एलिमेंट 2, 3, 4 सामने वाले सेट में हैं, 2, 3, 4 हैं, तो ये इसका सबसेट्स होगा और ये हम लगा देंगे सबसेट्स, यानी कि दिस सबसेट्स। मान लो अगर ए है ये भी, तो ए इज द सबसेट्स ऑफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर में आता है वो नहीं है, खाली ये तो फिल इन द ब्लैंक्स की लेंथ थी। तो 2, 3, 4 इज द सबसेट्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ए बी सी आर सेट्स हु बिलोंग्स या हुज एलिमेंट्स इज ए बी सी, और सामने दे रखा मैं बी सी डी, तो इसके सारे एलिमेंट्स देखो ए, ए इसमें है ही नहीं, तो ये बात यहीं खत्म होगी। तो ये वाला सेट्स इसका सबसेट्स नहीं है, तो नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, क्या है, द सेट्स ऑफ ऑल एक्स एक्स सच डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के बारे में इमेजिन करो, आप 11th क्लास के हैं ना, तो आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट्स, मान लो 20 स्टूडेंट्स है, 23 स्टूडेंट, वो सारे के सारे इसमें आएंगे नहीं आएंगे, एक्स सच डेट द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ही तो हुए है ना, तो यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इट इज ए सबसेट्स। क्लियर ना, समझ में आ रही है बात। नाउ फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, एक सेट हमें सर्किल का दे रखा है, और कैसे दे रखा है हमें, कैसे सर्किल है, और ये पूछा ये इसका सबसेट होगा, द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ऐसे सर्किल जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन इसका रिवर्स होता तो सबसेट्स होता, समझ में आई बात नहीं आई, पहले आप समझ लो, हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसमें बहुत सारे सर्किल दे रखे हैं, ये अलग अलग रेडियस के, 1 सेंटीमीटर का भी है, 2 सेंटीमीटर का भी है, 3 सेंटीमीटर का भी है, कम का भी है, और बड़ा भी है, कैसे हो सकते हैं, वही पूछा है, और एक सेट दे रखा है जिसमें सारे के सारे सर्किल क्या हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं, तो ये इसका सबसेट है, नहीं है, इसका रिवर्स होता है, ये इसका सबसेट होता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के यहाँ है तो इसमें भी है, तो इसका आंसर हो गया नॉट अ सबसेट्स। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब हमें एक सेट दे रखा है जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल हैं, और यहाँ दे रखा है अ सेट इज अ रेक्टेंगल ऑफ द प्लेन, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट्स होगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सिंपल सी बात, इट इज़ नॉट अ सबसेट्स, है ना, अगर यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है ना, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ट्रायंगल रेक्टेंगल तो नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए सबसेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स पार्ट, एंड द सिक्स पार्ट इज द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, एक सेट दे रखा है जिसमें सारे के सारे इक्विलेटर ट्राइंगल हैं, कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइड्स के, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी भी पॉसिबल है सारे इक्विलेटर ट्राइंगल सेट है, और सामने हमें दे रखा है
the sets of all x such that x is a triangle in the same plane. और एक सेट जिसका इसमें हर तरह के ट्राइंगल हैं, जब हर तरह के ट्राइंगल है तो इसमें इक्वल ट्राइंगल भी होंगे, तो ये ट्राइंगल सारे के सारे इसमें बिलोंग्स करेंगे, तो इट इज द सबसेट्स ऑफ ट्राइंगल, इक्वलेटर ट्राइंगल सबसेट होता है ट्राइंगल का. इसका रिवर्स लिखा हो तो ये पहले ये बाद में, तो डज नॉट, है ना, इट इज नॉट अ सबसेट, लेकिन इसमें इक्वलेटर ट्राइंगल सबसेट्स होगा सेट्स ऑफ द ऑल ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, अ सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन नेचुरल नंबर. एक्स हमें नेचुरल नंबर दे रखा है, ओके, तो हमें ये बताना है, ये इसका सबसेट है, एक्स इज एन इंटीजर्स, और एक्स इंटीजर्स है ना, तो क्या होगा सेट होगा, अरे नहीं है क्वेश्चन में, इंटीजर्स तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर सब होते हैं, और नेचर नंबर ऑलरेडी इवन नेचर नंबर है, तो टू फोर सिक्स इंटीजर्स में भी आते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स, बात समझ में आ रही है, लिख के दिखाऊं, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, देखो ये कह रहा है एक्स इज एन नेचर नंबर, एक ऐसा सेट्स, पहला वाला सेट्स मान लो ए सेट्स हमने मान लिया, ये इस तरह का है, टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन, सारे के सारे, और आगे जो है सामने वो इवन नंबर है, इवन नहीं सॉरी इंटीजर्स है, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो वन, तो देखो टू फोर सिक्स एट सब आएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट्स में आ रहे हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो वही हो गया एक्स इज एन नेचर नंबर इज द सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स. ओके क्लियर ना, समझ में आ गया, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू. ओके क्वेश्चन नंबर टू भी सेम वन की तरह है, उसमें हमें बताना था, इसमें दे रखे हैं तो हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स, बस इसमें बिलोंग्स वाला एक और एलिमेंट्स आगे बताएंगे वो भी. तो एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसके सिक्स पार्ट दे रखे हैं, हमें इनको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स. चलिए करते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट, द सेट्स ऑफ एलिमेंट ए बी इज नॉट अ सबसेट्स ऑफ एलिमेंट बी सी ए. यहाँ एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट ए बी हैं, और यहाँ एक सेट दे रखा है बी सी ए, और ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ट्रू है कि फॉल्स. देखें जरा, इसके एलिमेंट्स ए बी, इसके एलिमेंट जितने भी हैं सामने वाले सेट्स में आ रहे हैं, बी बी आगे आ रहा है, तो ये क्या होगा सबसेट्स होगा, तो यानी कि ये क्या है फॉल्स, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ लिख दोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर ना. नाउ सेकेंड पार्ट, द सेट्स ऑफ एलिमेंट ए ई इज सबसेट्स एक्स सच डेट एक्स इज अ बॉबिल. देखो सामने बॉबिल्स का सेट्स क्या होता है, समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है ए ई आई ओ यू, ये तो सेट्स होता है, और इसके कुछ एलिमेंट्स से ए ई दोनों में आ रहे हैं, ए ई यहाँ है और ए इस वाले एलिमेंट्स में आ रहे हैं, तो क्या हुआ ये सही है, यानी कि ए ई यानी ग्यारह सेट्स सबसेट्स होगा बॉबिल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू. इसके आगे आप लिख लेना This statement is true. Okay. Now, third part. 1, 2, 3 is the, मतलब यारा sets, इसका subsets है. देखो, 1, 2, 2 इसमें ही नहीं, है ना, तो ही गलत हो गया ये. इसके सारे element इस set में होने चाहिए. 1 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है. तो it is false. तो लो दोगे. It is false. Okay. Now next part fourth subsets this set is the subsets of ABC इसमें elements क्या है ये इसमें आ रहा है तो क्या हो गया it is true set subsets मालूम होना चाहिए आपको है ना तभी कर पाओगे उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लेना ये एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट्स अगर सामने वाले एलिमेंट्स में तो ये वाला सेट्स सबसेट्स होगा ओके तो फोर्थ पार्ट इज ट्रू अब जरा फिफ्थ देखना ढंग से अच्छे से समझना इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं ये लिख रहा है इन कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी और जल्दीबाजी में ट्रू लिख जाते हैं ये सबसेट नहीं लग रहा सबसेट लिख रहा तो ऊपर वाला सवाल हो गया ट्रू हो जाता लेकिन ये कह रहा है बिलोंग्स यानी कि ये एलिमेंट इसमें आता है तो बच्चे कहते हैं हाँ ए है तो है ए आ रहा है तो ए नहीं यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर है अगर सिंगल ए लिखा होता अगर ये लिखा होता तब तो ये ट्रू होता लेकिन ये क्या है कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो ये पूरा का पूरा इसमें तो नहीं ब्लॉक्स में जो यहाँ लिखा वो सारा सेट्स के अंदर आना चाहिए तो ये फिफ्थ पार्ट क्या होगा इसका फॉल्स ध्यान रखना है ना इस वाले क्वेश्चन में शुरू में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं यहाँ देखा ए और सबसेट ही समझ जाते हैं सो
ट्रू, सबसेट्स नहीं भी समझते, बिलोंग्स करते हैं तो देख लेते हैं, हाँ एलिमेंट ए है इसमें भी है तो ट्रू, ये एलिमेंट है तो पूरा सिर्फ सिंबल जो भी कुछ लिखा है वो सारा का सारा इसमें आना चाहिए, यानी कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तब ये ट्रू होता। ओके नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, ये देखा मैं, एक्स द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। अब जरा इसका हम सेट बना, इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या होंगे, लेस देन सिक्स टू फोर, बस ये तो सेट बनेगा यहाँ। और सामने दे रखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और क्या 12 और 36, 18 और 36 के फैक्टर जो भी होंगे ना, कोई रह गए हो तो देख लेना। अब देखो हमें तो मैंने इससे ये दोनों एलिमेंट इसमें आ गए तो ये क्या होगा, सबसेट्स होगा, तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू, तो लिख दोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर टू समझ में आ गए हो ना, तो इसमें बिलोंग्स सेट्स और नॉट अ सबसेट, और सबसेट इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस है हर सवाल में, है ना। तो ओके नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट ए इज इक्वल, एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 इन कर्ली ब्रैकेट, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, एंड भाई कौन सा इनकरेक्ट है ना ये बताना और क्यों है। चलिए करती है, मैं सब बता दूंगा कौन सा करेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा और जो इनकरेक्ट है उसको लिख देंगे इनकरेक्ट। चलो करते हैं, तो देखो फर्स्ट पार्ट, सेट्स ए दे रखा है 1, 2 इन कर्ली ब्रैकेट, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 5 इन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट 3, 4 इज द सबसेट्स ऑफ ए। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स 100% गलती कर देते हैं, 100 नहीं तो 90% बच्चे गलत कर जाते हैं जल्दी जल्दी में और कर जाते हैं इट इज द करेक्ट, जबकि ये करेक्ट नहीं है। देखो 3, 4 ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में है, अगर इसका ये सबसेट होता तो एक कर्ली ब्रैकेट और लगाते। हम सबसेट्स कैसे बनाते हैं, सबसेट्स कैसे लिखते हैं, मान लो 2 इसका सबसेट है तो 2 एलिमेंट लेंगे और कर्ली ब्रैकेट में तो लिखते हैं, तब ये हुआ 2 इज द सबसेट्स ऑफ दिस। अब इसमें ये आ रहा है तो ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट आना चाहिए, अगर इसका सबसेट हम देखेंगे तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 कर्ली ब्रैकेट और ये सबसेट वो सेट का, तो इसमें डबल कर्ली ब्रैकेट आने चाहिए थे। यहाँ केवल ये देखा है, अगर ये बिलोंग्स होता तो ये ट्रू हो जाता, तो इट इज इनकरेक्ट लिख दोगे, इट इज इनकरेक्ट। हमें ये पूछा, इसमें पूछा ये था कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 3, ये तो पूछा, हाँ इनकरेक्ट वाला पूछा है, ठीक है तो ये इनकरेक्ट। अब यहाँ देख वो आगे ऊपर जो मैं अभी समझा रहा था, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, अभी पूरा बिट सिंबल इसमें आ रहा है तो ये पूरा का पूरा बिट जो भी है साइन सिंबल सब इसमें होने चाहिए, सेट्स में है, कर्ली ब्रैकेट भी 3, 4 भी है तो ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ये एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो गया करेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ करेक्ट, ये पूछा नहीं है, जो इनकरेक्ट है वही पूछा है ना, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, अब ये हो गया सेम जो हम समझा रहे थे अभी, 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इज ए सबसेट्स तो इट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वही चीज जो मैं भी इसमें समझा था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा तब सबसेट होगा, तो इट इज द करेक्ट। 1 belongs to A, सेट्स ए में वन आ रहा है, सेट ए में वन आ रहा है तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है, लिख दोगे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके कौन सा, अब फिफ्थ पार्ट, 1 subset is A, अब देखो यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट लग ही नहीं रहा है, सबसेट्स जो भी वो सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं तो इट इज फॉल्स, यानी कि इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। बात समझ आएगी, ये सबसेट का सिंबल है और सेट जब भी होगा हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ केवल 5 को छोड़कर, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट तो नहीं, वन एलिमेंट है, बिलोंग्स होता तो सही हो जाता, जैसे ऊपर वाला था 1 belongs to A तो करेक्ट है, लेकिन 1 इज द सबसेट्स ऑफ A तो इट इज इनकरेक्ट, 2 फॉल्स में होता तो इट इज फॉल्स, ऐसे लिखते थे। अब 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट में है, सबसेट है, देखिए 1, 2, 5 A में है, 1 अलग से है, 2 अलग से, 5 है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके ना, अब ये ऊपर वाला आ गया, 1, 2, 5 belongs to A, 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट में तो है नहीं, तो क्या हो गया, अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता खाली ऐसे होता 1, 2, 5 belongs to A,
है ना, कर्ली ब्रैकेट हटा दें तब तो ये ट्रू होता, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट सही तो लिख रहा है, यहाँ सबसेट नहीं बिलोंग से, तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इन इनकरेक्ट. क्लियर. नाउ एट्थ पार्ट, 1, 2, 3 इज द सबसेट्स. देखने में तो लग रहा है सही है, लेकिन देखें 3 क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है. 3 अगर कर्ली ब्रैकेट के बाहर होता तब तो सही था, 1, 2 उसके साथ पूरा 3, 4 भी आता, कर्ली ब्रैकेट भी आता तब ये ट्रू होता. तो ये क्या हो गया, इट इज इनकरेक्ट, ये सबसेट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट. ओके क्लियर ना, थोड़ा छोटा कर दूं. अब यहां देखें 5 बिलोंग्स टू ए. अब इस वाले क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं. 5 क्या होता है, 5 इज द सबसेट्स ऑफ ऑल सेट्स. 5 सबसेट होता है, इसे नीचे लिख रहा है 5 सबसेट्स, ये ट्रू है. लेकिन 5 ए में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो देखेंगे. ए में 5 है, यहाँ तो है नहीं, 1 एलिमेंट है, 2 है, 3, 4 है, 5 है, 5 तो आ नहीं रहा. अगर 5 यहाँ लिखा होता तब ये करेक्ट होता, क्योंकि सिंबल है बिलोंग्स का, नॉट सबसेट्स. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट वाले बताने थे, इट इज इन करेक्ट स्टेटमेंट. 5 इज द सबसेट बताया था, 5 तो हर किसी का सबसेट होता है, तो इट इज करेक्ट. शॉर्ट में लिख दूं, करेक्ट, इट इज करेक्ट. हाँ अब बताओ सबसेट्स ऑफ ए, 5 इज द सबसेट. देखो 5 ये होता है ना, नल सेट जिसे बोलते हैं, नल सेट्स को कभी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते. तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. अगर ये खाली ऐसे बना होता इस सबसेट्स ऑफ ए तो ट्रू, या खाली ऊपर था ये 5 का, 5 सबसेट्स और ए तो ट्रू, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है. अगर यहाँ 5 दिया होता है ना, तब ये भी सही हो जाता और ये भी सही होता, तब ये भी सही होता और ये भी सही होता. क्लियर. लेकिन ऊपर एलिमेंट है नहीं, इसमें क्या दिखा रहा है, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 1 है, 5 है, और 5 यहाँ पर एलिमेंट है नहीं, तो इट इज नॉट अ सबसेट्स ऑफ ए, तो इट इज इनकरेक्ट. ओके अब नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. फर्स्ट अ सेट इज गिवन हुज एलिमेंट्स ओनली ए, अनदर सेट्स इज गिवन हुज एलिमेंट्स इज ए एंड बी, एंड इन थर्ड अ सेट्स हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड लास्ट इज 5. तो हमें इन सारे सेट्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो बताने हैं, चलो करते हैं. तो फर्स्ट इज सेट, अ सेट इज गिवन हुज एलिमेंट इज ए. तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, एक तो नल सेट्स यानी कि इसे 5 से करते हो कि, और देखो जब कभी करो तो इसे चेक कर लेना चाहिए, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, ए यानी कि 1 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर n. तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2. तो देखो 2 सबसेट आ रहे हैं, एक 5 और एक वो खुद होता ही है, वो खुद सेट्स अपना सबसेट्स होता है ना, तो इसको चेक जरूर कर लेना. सबसे पहला 5 रखो नल सेट्स. अब सेकंड पार्ट्स में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट्स में हमें एक सेट्स दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी. तो हम जरा चेक करें कितने सबसेट्स बनने चाहिए, 2 की पावर 2 इज 4, ये रखा हमें, ये शो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे. तो कौन कौन से होंगे, देखो सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी विल बी, सबसे पहले तो हमने बताया नल सेट्स बना लो, 5 भी लिख सकते हैं या खाली कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ दो, यही 5 का सिंबल होता है नल सेट. तो एक तो ये बन गया, दूसरा एक एक डिजिट एक एक एलिमेंट ले लो, खाली ए ले लो और कर्ली ब्रैकेट में रखोगे सारे एलिमेंट को. दूसरा सेट कौन सा बनेगा, सबसेट वी है ना, अब दो दो एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, क्या हो गया ए कॉमा बी बन गए. अब जरा काउंट कर लो कितने सेट हैं, सबसेट सॉरी 1, 2, 3, 4 और 4 ही हमने चेक करा था, 4 ही बनने चाहिए थे, यानी कि इट इज द करेक्ट आंसर. ओके क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो और ज्यादा बनेंगे. इन थर्ड पार्ट अ सेट इज गिवन हुज एलिमेंट इज 1, 2, 3. तो नंबर ऑफ सेट्स विल बी 2 की पावर 3 8. अब 8 कौन कौन से बनेंगे, तो देखो सबसेट ऑफ 1, 2, 3 इज, सबसे पहले हमने कहा था 5 बना लो, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, पहले 1 ले लो, फिर एक दूसरा सेट बना लो एंगल एलिमेंट 2 लेकर, फिर एलिमेंट 3 लेकर,
सिंगल सिंगल हो गए, अब 2 2 ले लो, तो 2 2 एलिमेंट लेंगे तो कौन सा 1, 2, फिर 2, 3, एक सबसेट बन गया 2, 3 का, और एक कौन सा बनेगा 3, 1। अब तीनों एलिमेंट ले लो, कौन कौन से बचे 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ने काउंट करो, देखो 8 ही बनने चाहिए और ये 8 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो नंबर ऑफ सबसेट इज 8। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, एम्प्टी सेट दे रखा है ना, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम डिनोटेट करते हैं 5 से। तो बताया था हमने कि क्या होता है, एम्प्टी सेट इज द सेट्स ऑफ ऑल सेट सबसेट्स, एम्प्टी सेट सबका सबसेट्स होता है, तो इसका सबसेट्स क्या होगा, यही होगा 5, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नल सेट, है ना। तो सबसेट्स ऑफ 5 विल बी 5 या नल, ये नल सेट है या वाइट सेट बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन द कौन गया 5, ये रहा, फाइंड द हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट्स ऑफ ए, पावर सेट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स पूछे हैं इफ ए इज इक्वल 5, जबकि ए क्या है नल सेट। ओके, अब चलो थोड़ा सा मैं अलग से समझाता हूँ एलिमेंट्स लेके, देखो एक मान लो एलिमेंट सेट्स भी ले लेता हूँ, चलो वहाँ है जिसके एलिमेंट्स ए 1 और 2 हैं, तो उसके सबसेट्स क्या होते हैं, एक तो 5 होता है, एक क्या होता है 1 1, अभी हमने दिखाया था 2 की पावर n करके 4 बने थे, एक एग्जांपल तो बताया था ना, एक बनता है 1 2, क्लियर, ये तो कहलाते हैं सबसेट्स। अगर हमें पावर सेट फाइंड करना हो तो क्या होता है, इन सबसेटों को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दें, यानी कि सेट्स ऑफ द सबसेट्स। ओके, अब जरा एलिमेंट्स गिने, कितने हुए 1 2 3 4 हुए, है ना, एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स वी इज इक्वल टू 4। अब यहां पर देखो, यहां कैसा है, कैसा सेट दे रखा है नल सेट्स, तो इसका पावर सेट्स बनाएंगे, तो पावर सेट्स ऑफ ए क्या होगा, इनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लें, यही तो सेट था बस रख लिया, तो अभी कितना एलिमेंट्स है एक, अब यहां पर ये एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट की वैल्यू है 5, तो इफ ए इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स ए इज 1, तो आंसर इज 1 लिख दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स ऑफ ए इज 1। ओके, 22-23 मिनट्स की वीडियो हो गई है। ओके, चलिए आज के वीडियो हम इतने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अब नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, 6, 7, 8, 9, और इंटरवल आपको समझाने के लिए भी आ गया था, उसमें इंटरवल के बारे में बताएंगे और बाकी के बचे हुए सवाल करेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप मन लगा कर पढ़ाई करिएगा, 11th क्लास है, खूब मन से अभी से पढ़ाई करिए, है ना, जुलाई तक तो आपकी ये बुक खत्म हो जानी चाहिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।